नमस्कार प्यारे दोस्तों, अब हम यह विचार करेंगे कि जैसे हमने विवाह करना है तो उसके लिए हमने प्रार्थना करनी है कि हमारा जीवन साथी कैसा हो, तो हम क्या प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ हमारे मन में है कि हमारे जीवन साथी में वो गुण होने चाहिए, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए और उसका सुंदर होना चाहिए, दिल भी और दिमाग भी और शरीर भी, क्योंकि सिर्फ शरीर के सुंदर होने से कुछ नहीं होता, उसका मन भी सुंदर हो, उसमें अच्छे गुण हों, अच्छे संस्कार हों, वह दूसरों के साथ अच्छी तरह से पेश आए और घर को मेंटेन करके रखे। और दूसरी बात यह है कि मान लो हमने परमात्मा से कह दिया कि उसमें ऐसे 20-25 क्वालिटी हों, अगर वह पूरी नहीं होती तो जितनी भी होती हैं वह अवश्य ही हमारी प्रार्थना को सुने, और जितनी भी क्वालिटीज पूरी होती हैं वह वैसी क्वालिटी वाली हमें जीवन साथी दे। और तीसरी बात यह है वह भी हमें प्यार करे, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि वह हमें प्यार करे, और उसमें चाहे कम ही क्वालिटीज हों लेकिन वह हमसे प्यार करे, हमारे किसी धन दौलत से ना प्यार करे, जमीन जायदाद से ना प्यार करे, वह हमारे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर सके, हमारे लिए ही वह काम करे, जैसे कि हमारी जमीन जायदाद को ना देखे कि कितनी है। और जो चौथी बात यह है कि जैसे हमारे जीवन में कोई भूल हो जाती है तो वह हमारे तक ही सीमित रहे, अगर हमारे साथी को ना पता चले, क्योंकि जीवन में इससे क्लेश बढ़ सकता है। और पांचवी बात सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वह परमात्मा आप में विश्वास करने वाली हो, आपके आगे प्रार्थना करने वाली हो और अच्छे संस्कार वाली हो और धार्मिक भावनाओं वाली हो और अच्छे गुणों वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, सबका ख्याल रखने वाली हो। ऐसी जो प्रार्थना है वह परमात्मा के आगे करनी चाहिए कि हमें ऐसी जीवन साथी चाहिए। धन्यवाद।